मैं एक बात मंच से कहा हूं, हम अपने से नहीं हारे, अपनों से हारे। मुझे एक हफ्ता का समय मैं मांग रहा था, 18 तारीख के बाद धरना लगाना था, लेकिन लोगों ने जिस तरह लखनऊ के धरती पे मुझे मजबूर किया कि सीएम बाहर थे और धरना 21 से लगा, 24 से लगना चाहिए था, लोगों ने गाली देना चालू कर दिया, मुझे धरना को वापस लेना पड़ा। और सीएम 24-23 को आए, 23 को वार्ता हुई, और भी धमकी की वजह से वार्ता हुई। आज भी हम धमकी नहीं दिए होते तो शायद प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं बात करते। लेकिन इतना बात कहना चाहता हूं साथी, ये धरना समाप्त नहीं हुआ है। एक बात बता दूं, ये धरना यहां से उठ के 22 तारीख को बनारस चलेगा। बनारस मैं कह दे रहा हूं, आज यहां स्थगित कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। पीएम साहब जितनी ताकत लगाना हो, प्रशासन के लगाना हो लगा लेना। 22 तारीख को बनारस में आपने घोषणा नहीं किया तो बनारस में रैली होने नहीं पाएगी, रैली होने नहीं पाएगी। आज से फेसबुक नेट जितना चलाना हो चलाओ, लेकिन इतना बहुत कहना चाहता हूँ, आज जावड़ेकर साहब स्पष्ट कर दिए हैं कि राज्य सरकार भेजेगी तभी मैं कुछ करूंगा, अन्यथा कुछ करूंगा नहीं। इतना निर्दयी मंत्री कैसे कह सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं टीचर का बेटा हूँ, आज कहें कि राज्य सरकार भेजेगी तब मैं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं साथी, मुझे बहुत ग्लानि है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप इस तरह मंत्री होके बात कर रहे हैं। हम धरने पे बैठेंगे तो न लखनऊ जा पाएंगे, न बनारस जा पाएंगे। यदि मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि भाई फिर सौगंध खा रहा है, वो बनारस की धरती, वो धरती होगी जो बलिदानी जत्था भी कायम रहेगा। इस नाते साथी आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक आपने कहा है कि किस पद पे जाएं, स्कूल में, अभी स्कूल में जाना नहीं है। और जो मेरे भाई विद्यालय में जा रहे हैं, टोली बना के टोली उनको विद्यालय से खींच के घर से बैठाओ, क्योंकि अब टोली बनाओ, 10-10 की टोली बनेगी और उनको भी घर बैठाओ, बीआरसी पे बैठाओ, लेकिन जाने मत दो, क्योंकि वो जय चंदो के नाते ये अधिकारी का मन बढ़ गया है। मैं दावा करना चाहता हूँ, या तो राज प्रताप सिंह रहेंगे, नहीं तो जितेंद्र शाही रहेगा। आपसे करबद्ध निवेदन है, धरना स्थगित करते हुए आप 22 तारीख को तैयारी करिए, और 22 तारीख को इतना तैयारी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की बीवी बच्चों के साथ पहुंचेंगे, शायद वो दिल्ली बनारस में रैली होगी, नहीं तो पहले शिक्षा मित्रों का मांग पूरा होगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र, जय हिंद। साथियों, आप शांतिपूर्वक जाएं यहाँ से, कोई शोर शराबा ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश की जा रही है, जो आपकी बसें लगी हुई हैं, आपको ट्रेन से जाना है, हर जगह दिल्ली पुलिस के हमारा स्टाफ मौजूद है, आपको कोई मदद की जरूरत हो आप मदद ले सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, रास्ता पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपकी और कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग तैयार हैं। कृपया शांति से जाए यहाँ से, डिस्पर्स जब हो तो कोई धक्का मुक्की ना हो, किसी को चोट ना लग जाए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कृपया शांति से जाए।